यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। अगर हमको समाज में कुछ जागृति लानी है तो प्रबुद्ध वर्गों को एक सामने आना होगा, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग हमारे समाज का जो है एक आईना होता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी मजबूत करना होगा। राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सिर्फ अपने आप को लाभ लेने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई वो इस पशुओं का निवाला, किसानों का निवाला अपने जेब में रख लिए और उनको किसी भी प्रकार की इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा है। जो जितना बोया है वो उतना काटेगा, चाहे वो बहुजन पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। इस समय मैं गैसड़ी विधानसभा के गैसड़ी बाजार में हूं, मेन रोड पर ही। यहां पर एक भैया जी से मुलाकात हुई मेरी, वो इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में एक तरह से अग्रसित और इस समाज को एक सही दिशा देने में, सामाजिक कार्यों में भी बहुत ही आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी तत्पर रहते हैं, टाइम टू टाइम देखने को भी मिलता है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि जैसा कि हमारा ये जो क्षेत्र है पूरा विधानसभा, अगर गैसड़ी की बात करें या जनपद बलरामपुर की बात करें या स्टेट की बात करें, तो भी हमारा ये पूरा स्टेट, पूरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़े इलाके में आता है। तो इसका सबसे पहले यही रीज़न मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, या ग्रामीण एरिया एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा की हो, युवाओं की हो, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं सबसे पहले इसका जो कारण मैं बताना चाहूँगा वो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है अशिक्षा की। अगर अशिक्षा दूर होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो लोगों की विचारधाराएं बदलेंगी और उसका परिणाम बड़ा ही सकारात्मक आएगा। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ के पिछड़े होने के कारण, यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर राजनीति को अपना हथियार तो लोग बनाते हैं, लेकिन उस हथियार से लोगों के जो है बुराइयों को काटने की बजाय उनका जड़ ही काट देते हैं। मतलब उनका जो सकारात्मक अग्रसर होने वाली, जो विकास वाली सीढ़ी वाली बात होती हैं, वो सब दिक्कतें पैदा कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ने का, सामाजिक सुधार करने का, समाज को एक नई दिशा देने का एक जज्बा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने जैसा बहुत अच्छा काम भी किया है क्षेत्र में, जागरूकता के माध्यम से, चाहे बच्चों को योग सिखाना हो या समाज में कोई नई दिशा देने के लिए कोई तरह तरह के कार्यक्रम भी आप करते रहते हैं, प्रतिभाग भी करते रहते हैं, उसका एक तरह से लीडिंग का काम भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो कमियां हैं, समस्याएं हैं युवाओं में, जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, नशा की प्रवृत्ति है या भटके हुए हैं युवा, उनको सही दिशा नहीं मिल पा रहा है, इसका मेन मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर हमको समाज में कुछ जागृति लानी है तो प्रबुद्ध वर्गों को एक सामने आना होगा, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग हमारे समाज का जो है एक आईना होता है और उसी के ही जो है बलबूते हमारे समाज की एक आईना बनता है, एक वैल्यू बनती है और उसके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलती है। तो हमारा मानना ये है कि समाज को नई दिशा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र को उज्ज्वल करना पड़ेगा, साथ ही साथ समाज में फैली हुई जो बुराइयाँ हैं, कुविचार हैं, अंधविश्वास हैं, इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमको जन जन का अभियान छेड़ना पड़ेगा। और जब हम जन जन का अभियान छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक तो सामाजिक तरीके से सुधार का एक नमूना हुआ। दूसरा, जो और भी इसके सुधार को लेकर के आगे बढ़ने की बातें हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी मजबूत करना होगा। राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सिर्फ अपने आप को लाभ लेने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि समाज को नई दिशा देने के लिए, नौजवानों को दिशा देने के लिए, गरीबों के कल्याण करने के लिए, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, अब आप देख लीजिए कि गैसड़ी में बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का निदान अगर एक एक करके इस तरीके से होता रहे तो कहीं ना कहीं, अगर शिक्षा की बात आपने जैसे कही, शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सही दिशा दी जा सकती है, कहाँ पर कमी क्या है
की सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आप जो प्राथमिक स्कूलों की बात करें या क्षेत्र में पूरे शिक्षा को लेकर जो मानसिकता लोगों में बनी हुई है, प्राथमिक स्कूलों में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों की ओर मुख कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है, कमी कहाँ है? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी होने का प्रमुख जो कारण मुझे दिखाई देता है वो दोनों तरफ से है। पहली बात तो ये, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए जिनको बुलाया जाता है, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं या टीचर हैं या जो भी हैं, तो कुछ लोग तो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की भ्रष्टाचार वाली जो नीतियाँ हैं, उन भ्रष्टाचार वाली नीतियाँ उसमें कामयाब हो जाती हैं। तो यहाँ पर यह है कि टीचर कुछ लोग तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो काम करना भी नहीं चाहते हैं और काम ना करके फिर अपनी उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमें जो अभिभावक हैं वो अभिभावक अभी तक इलिटरेट रहे हैं, वो अभिभावक अभी उनका उतना ज्ञान नहीं बढ़ा है कि जिससे उनको ये मालूम हो सके कि हमें अपने बच्चों को अच्छे रोज़गार देने हैं, अच्छी शिक्षा देनी है, उच्च स्तर की पढ़ाई करवानी है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही बात निकल करके आती है कि उनको खुद ही नहीं मालूम होता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ तक ऊँचाइयों तक लेकर के जाएँ। तो यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है कि हमें उनके अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा, उनके सपनों को बढ़ाना होगा, उनकी आवश्यकताओं को बढ़ाना होगा, उनके उद्देश्यों को लक्ष्य केंद्रित राष्ट्र उत्थान के प्रति, स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। ये इसका समाधान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी बातें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हैं हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन, जो कि हमारा जो हम सर्वे कर रहे हैं, हमारी टीम दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम ये सर्वे कर रही है कि इन 5 सालों में क्या विकास हुए हैं, जो जिन दावों को लेकर प्रतिनिधि आए थे, वोट मांगे थे जनता से, उन 5 सालों में क्या वो खरे उतर पाए हैं अपने वादों पर, क्या कितना विकास हुआ है, विकास की जो रूपरेखा तैयार की गई थी पहले वो कितना हद तक पूरा हो पाया है, इस पर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप क्षेत्र के एक जिम्मेदार और सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपसे क्या जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है, मतलब क्या दृश्य क्या है। देखिए, पिछले 4 सालों 5 सालों से अगर देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। जैसे सड़क की अगर बात ले ली जाए तो सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन सड़क का निर्माण उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से एक आम जनमानस अपेक्षाएं करती हैं। दूसरे नंबर पर बिजली पहले 14 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे कभी गुल हो जाती थी तो आती ही नहीं थी 7 दिनों तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसमें कुछ परिवर्तन आया है। बिजली में भी अभी पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि इस शासन में, इस सरकार में बिजली के माध्यम से भी कुछ रोशन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये पर्याप्त नहीं है, समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, समस्याएं होती हैं, और समस्याओं के समाधान के लिए जो तात्कालिक समस्या है, हमने जो भी समाधान दिए उसको दे करके और हमको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक एक जो आम जनमानस की समस्या है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और समझ करके उस समस्याओं को दूर करने का समय पर ताना बाना बुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आए तब फिर अपना बोरिया बिस्तर ले करके और गाँव की ओर तरफ, वोटरों की तरफ चल दें। मेरा मानना यही है कि अगर 5 साल तक आपको सत्ता जनता ने सौंपा है तो आप 5 साल डट करके मुकाबला करें, और मैं ज़रूर कहूँगा कि इस शासन ने काम तो किए हैं लेकिन अभी और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बीच में कोरोना भी आई तो उसमें भी काफ़ी हानि हुई है, तो अभी मैंने जो सर्वे किया, अभी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से बात किया, तो यहाँ पर सामाजिक समस्या, काफ़ी समस्याएँ हैं, यहाँ जानवरों की समस्याएँ हैं जो घूम रही हैं, किसानों की समस्याएँ हैं बहुत तरह की, और वो बहुत पीड़ित हैं जानवरों से जो घूम रहे हैं लावारिस, तो इन सारी चीज़ों को लेकर किसान परेशान है यहाँ का, पूरा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गैसड़ी विधानसभा में अगर जो आसपास की बात की जाए तो किसान बहुत परेशान है। हमने कल भी सर्वे किया था, लोगों से बात की थी, तो वहाँ पर भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए, और वो अपना दुख हमारे टीम के माध्यम से हमसे बात की और उन्होंने बयां किया अपने दुख को, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, जो यहाँ प्रतिनिधि हैं
प्रतिनिधि हों चाहे ग्राम प्रधान हो, उनका सिर्फ वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपना जो भी सरकार योजनाएं चला रही है उनका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, उचित पूर्वक लाभ। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, आपने जो एक बात अभी आपने मुझसे पूछी है कि ये जानवरों की समस्याएं जो आवारा पशु घूम रहे हैं, खास तौर से गौवंश की बात अगर की जाए, तो मैं एक चीज़ तो मैं बड़ी तारीफ करना चाहूँगा जो आज वर्तमान सरकार है कि उन्होंने गौ हत्या पर बैन लगा दिया है, लेकिन दूसरी ओर उसके सॉल्यूशन जमीनी स्तर पर नहीं दिया। क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन वो जमीनी स्तर पर दिए होते तो आज इतनी हमारी गौ माताएं सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, उनको चोट पहुंचाई जाती है, तमाम ऐसी गौएं तड़प तड़प पर अपना जान दे देती हैं। साथ ही साथ उनको भोजन के लिए स्वाभाविक है कि वो खेतों में जाएंगी, और खेतों में जाएंगी तो किसानों का फसल नुकसान करेंगी, और ये फसल नुकसान होने पर हमारा किसान तबाह हो जाता है निश्चित रूप से। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे किसानों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गौवंश के लिए, हमारी आम जनता के लिए, और इसका समाधान सरकार ने बहुत ही थोड़े मात्रा में करने का प्रयास तो किया कि गौशालाएँ बनवा दी जाएँ और जगह जगह पशु आश्रय गृह बना दिए जाएँ, लेकिन ये वही बात है, ढाक के तीन पात वाली बातें हैं कि ये सब चीज़ें लोग जो जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई वो इस पशुओं का निवाला, किसानों का निवाला अपने जेब में रख लिए, और उनको किसी भी प्रकार के इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन को और इस वर्तमान सरकार को कि अपनी छवि को अगर सुधारना है, कुछ अच्छा करना है, किसानों को खुश करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पशुओं के आश्रय स्थल का जमीनी स्तर पर विकल्प चुन करके और उनका समाधान करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब अंत में बस यही जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन पाएगी? शैलेश कुमार सिंह सैलू फिर से विधायक चुने जाएंगे या जनता किसी और को चुनना चाहेगी? सपा बसपा कौन आएगा, या स्टेट में स्टेट के लेवल की बात करें तो योगी आदित्यनाथ फिर से आ पाएंगे या अखिलेश के हाथ में जाएगी सत्ता? देखिए, जहाँ तक अभी आपने बताई कि इस विधानसभा की बात है, शैलेश कुमार सैलू सिंह जी की बात आपने कही, तो जिसने जो जितना बोया है वो उतना काटेगा, चाहे वो बहुजन पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो जितना मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा और अपने जो चुनाव का तरीका है, अपने मुद्दे हैं, जितने बेहतर तरीके से मुद्दों को लेकर के आम जनमानस में पहुंचेगा, वो उतना ही भारी पड़ेगा। जहां तक राज्य की बात है, स्टेट की बात है, योगी सरकार की बात है, योगी सरकार अपने जो भी काम कर रही है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में उनका नाम चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनके काम करने का एक अलग तरीका है और उनके तरीके सराहे जा रहे हैं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी उनके कार्यों की सराहना करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भी योगी जी को भी अपने कार्यों के माध्यम से अभी जो आम जनमानस है, जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं है, इसके लिए उनको और भी कमर कसना पड़ेगा, और कमर कस करके एक एक समस्याओं के निदान करने का जमीनी खाका तैयार करना होगा, और जो जो समस्याएं अभी रह गई हैं उनके निदान का रास्ता चुनते हुए समाधान प्रस्तुत करना होगा, तभी जो है ये चुनावी नैया योगी जी पार कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि हमने संदीप जायसवाल जी से बात की, उनका वो इस समाज के, इस क्षेत्र के पूरे एक जागरूक व्यक्ति हैं, सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, टीपीएम न्यूज़ से बात करने के लिए। तो चलिए, आने वाले समय में और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे टीपीएम न्यूज़ के साथ और देखते रहिए दी पॉलिटिकल मंत्रा .com। कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति।